हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निकी। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक करना जरूर मत भूलना। मैं हर हफ्ते वीडियो अपलोड करती हूं। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माय फेसबुक पेज। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन क्लिक द लिंक एंड लाइक माई पेज। तो आज का हमारा वीडियो है मेरे 2017 फेवरेट्स के बारे में। मैं आपके साथ सिर्फ मेरे ब्यूटी फेवरेट्स नहीं लेकिन बाकी के जो भी जो मैंने चीज़ें ज़्यादा यूज़ करी है और मुझे पसंद आई वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है ये बुक, दैट इज़ द सीक्रेट। ये रोंडा ब्रायन ने लिखा है। अभी आप इस बुक के बारे में नहीं जानते हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो यू कैन गो अहेड एंड परचेज दिस बुक। नाउ ये बुक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में है। नाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन हेल्प यू टू अचीव योर गोल्स, स्टे पॉजिटिव इन लाइफ। इट ऑल्सो टीचेज यू हाउ टू बी ग्रेटफुल इन लाइफ एंड आपको बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी देता है। इनकी एक साइट भी है, दैट इज़ secrettv.com, वो भी मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ। तो उसमें बहुत सारे लोग आके अपनी स्टोरीज लिखते हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस लिखते हैं। उसमें आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं। और मुझे वो मैं अभी ये 3-4 सालों से फॉलो करती हूँ और हर ईयर ये मेरा फेवरेट रहा है। सो डेफिनेटली इट इज़ माई फेवरेट इन 2017 एज वेल। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। So the next thing which I got is my another favorite. This is Mimi Wet Wipes. ये बच्चों के लिए है लेकिन I use this. I really like this to remove my makeup. अभी ये आपकी स्किन को ड्राई नहीं करता, ये आपका मेकअप ईजिली रिमूव करता है। उसके साथ ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी और हाइड्रेट भी करता है। इसमें लेमन और एलोवेरा है और ये पैराबेन फ्री है। सो दिस इज़ द सेकेंड थिंग विच आई लाइक द मोस्ट। नेक्स्ट थिंग जो मेरी फेवरेट है वो है एनिमेट के विटामिन ई एलोवेरा कैप्सूल्स। मैं इसको हर रात यूज़ करती हूँ। हर रात मेरे स्किन पे मसाज करके नेक्स्ट डे मॉर्निंग मेरा फेस लुक वॉम वाटर से वॉश करती हूँ और इसने मुझे ग्रेट रिजल्ट दिया। मुझे ये बहुत पसंद है और ये इजीली इंटरनेट पे अवेलेबल है। सो ऑल्सो आई रियली लाइक दिस। आई कैनॉट यू नो रैंक द थिंग्स लाइक ये मुझे पहले पसंद है, ये मुझे नेक्स्ट पसंद है। सो हर एक चीज़ मुझे इक्वली पसंद है जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। सो दिस इज ऑल्सो द थिंग विच आई लाइक द मोस्ट। जो अगली चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आई है वो है क्रोनोकेयर का पॉलिश द ब्लेमिशेस फेस स्क्रब। ये इसमें बीटरूट है और ये मुझे ग्लैमिगो में मिला था। ये मुझे बहुत पसंद आया। ऑसम प्रोडक्ट है, आपकी स्किन को अच्छे से क्लेंज करता है, सारे डेड स्किन निकाल देता है, आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है। सो ये मुझे काफ़ी पसंद आया इस साल। एंड द नेक्स्ट थिंग विच आई गॉट इज ओके, आई लाइक दिस पैक फाउंडेशन। माई शेड इज 3.5 एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस फाउंडेशन। इसमें इस पैक फाउंडेशन में आपको बहुत सारे शेड्स मिलेंगे। सो अगर आप डार्कर स्किन टोन पे हो, लाइटर स्किन टोन पे हो तो भी आपको इसमें ज़रूर मिलेगा। और ये फाउंडेशन मेरे स्किन को अच्छी कवरेज देता है और स्किन पे बहुत लाइट वेट है और एग्जैक्टली मेरे स्किन टोन को मैच करता है। सो ये भी मुझे पसंद आ गया। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच आई एम ऑलमोस्ट फिनिश्ड इज दिस जोविस मॉइस्चराइजर। दिस इज फेस एज वेल एज बॉडी मॉइस्चराइजर एंड आई लव दिस। मी एंड कल्पेश बोथ यूज दिस एंड इसमें एक माइल्ड फ्रेगरेंस है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड ये 155 का है और 100 ग्राम का है। सो आई एम जस्ट स्क्वीजिंग आउट एवरीथिंग विच इज लेफ्ट इन दिस प्रोडक्ट। सो ओके, सो नेक्स्ट थिंग में जो मैंने हाल ही में परचेज किया है जस्ट 3-4 मंथ्स बैक, दैट इज दिस क्रीम। दिस इज सिट्रा कोरियन पिंपल क्रीम और इसका रिव्यू बहुत सारे यूट्यूबर्स ने दिया है, काफ़ी अच्छा रिव्यू है इसका। और जब मैंने यूज़ किया आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट। ये आपको अच्छा मैट लुक देता है और आपका ऑयल कंट्रोल करता है और थोड़ा ब्राइटनिंग इफेक्ट भी देता है। सो तो आई एम गोइंग टू परचेज वन मोर पैक ऑफ दिस। दिस इज माई सेकेंड पैक, सो आई एम गोइंग टू टेक वन मोर ऑफ दिस। नेक्स्ट थिंग विच आई गॉट इज दिस सौंदर्य एलोवेरा जेल। नाउ दिस इज अ मल्टी टास्कर प्रोडक्ट एंड आई रियली लव दिस। इट्स आई कैन यूज दिस फॉर माई हेयर, माई स्किन, माई टोज। आई जस्ट लाइक दिस प्रोडक्ट है। मैं और कल्पेश बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। दिस इज़ आवर थर्ड पैक नाउ एंड वी यूज़ इट ऑन डेली बेसिस। कभी भी पिम्पल निकल आए तो उसे लगाते हैं, वो भी उसको हटाने में काफ़ी मदद करता है। सो आई रियली लाइक दिस। और ये बहुत सारे DIY में भी यूज़ होता है, ये बहुत ही सस्ता है। सो थम्स अप फॉर दिस। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच आई गॉट
वो है एडियस का एक्सट्रीम कर्ल मस्कारा, जस्ट 80 रुपीज। बट लुक एट द पैकेजिंग गाइस, इट इज़ फैंटास्टिक पैकेजिंग, जस्ट रॉयल काइंड ऑफ पैकेजिंग, आई रियली लाइक इट। और ये आपको अच्छी लाइन देता है आपके आई लैशेज को, और ऐसे क्लम नहीं करता है आई लैशेज को, और मुझे काफ़ी पसंद आ गया। नेक्स्ट थिंग विच आई लाइक फ्रॉम द स्टार्ट इज दिस मिस क्लेयर सॉफ्ट मैट क्रेम इन द शेड 40। आई रियली लाइक दिस, दिस इज न्यू लिपस्टिक एंड आई ऑलमोस्ट यूज दिस ऑन डेली बेसिस नाउ। दिस ग्लाइड स्मूथली ऑन योर लिप्स और काफ़ी चीप है ये। सो एंड दिस इज अ ड्यूप ऑफ निक्स, सो आई रियली लाइक दिस। सो ये मेरा स्टार्टिंग से फेवरेट है, सो दिस इज़ अ बिग थम्स अप फॉर दिस लिपस्टिक्स। ये बहुत ही अच्छे लिपस्टिक्स है और इसमें बहुत सारे शेड्स भी अवेलेबल है। नाउ अगेन द माई फेवरेट थिंग इज शी, जो मुझे पसंद आ गई इस साल इज दैट सिवाना कलर्स ब्रॉन्ज्ड हाईलाइटर। आई रियली लाइक दिस हाईलाइटर एंड द साइज ऑल्सो वेरी यूज। इसमें कॉन्टर शेड है, ब्लशर है और हाईलाइटर है, लेकिन मैं ये दिस इज बोथ काइंड ऑफ शिमरी शेड में ये दोनों मिक्स करके एज अ हाईलाइटर लगाती हूँ अपने चीक बोन्स पे और नोज पे, and this give you amazing shimmer on your face. I really like this. I definitely recommend you this product. और ये ख़त्म होने से ख़त्म नहीं होने वाला है, एटलीस्ट 4-5 ईयर्स ये चलता रहेगा लाइफ टाइम आई गेस। ये मैंने चेरिस एंटरप्राइज से लिया था, दैट इज़ इंस्टाग्राम सोल, और उनके पास बहुत अच्छे सिवाना के प्रोडक्ट्स हैं, तो उनके स्टोर पे आप एक बार जाके चेक कर लो, बहुत अच्छा स्टोर है ना। दिस शैम्पू मिस्टिक मंगोलियन फ्रेग्रेंस मिस, आई रियली लाइक दिस, को बहुत अच्छा फ्रेगरेंस है, लाइक रोज काइंड ऑफ फ्रेगरेंस, एंड ये लंबे टाइम तक रहता है। और जब जब मैंने ये यूज़ किया है, बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है कि विच परफ्यूम हैव यू यूज़, सो आई रियली लाइक दिस। दिस वर्थ फॉर अराउंड ₹600, सो आई डोंट नो वेदर दे स्टिल मैन्युफैक्चर दिस, बट मैं थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करती हूँ, डेली यूज़ नहीं करती इसको। सो ये भी मेरा बहुत अच्छा फेवरेट है। And my most recent purchase is this Wet n Wild Mega Lash Lipstick Catch Lipstick, जिसमें मैंने review किया है और सबसे favorite मेरा color रहा है ये है Give Me Mocha। ये सबसे प्यारा color है, ये this is the only color which doesn't आपके crease में settle नहीं होता है। बाकी का मैंने review दिया था जो lipstick crease में settle होते हैं, लेकिन ये नहीं होता है। और this is the lipstick which I am wearing now, so I also love this very much, so I am using this most of the time. So this is also my favorite. And the next thing is this color bar nail polish. I guess you have must have seen this nail color in many of my videos. I frequently use this. This is the shade blue sky pastel color. बहुत अच्छा pastel color है और ये मुझे कल्पेश ने दिया था, वो मुझे बहुत सारे gifts देता है and I really love him for that. So ऐसे भी I love him. So this is the thing I like the most. तो ये मैंने बहुत बार यूज़ करा है और करती रहूँगी। आई विल डेफिनेटली गो अहेड एंड बाय वन मोर ऑफ दिस सेम नेल पेंट, सो आई रियली लाइक दिस। इसका प्राइस आई डोंट नो, इसका प्राइस सो ये मुझे कल्पेश ने है, सो आई रियली डोंट नो। इनके बहुत अच्छे पेस्टल कलर्स आए हुए हैं कलर बार के, सो आप चेक कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, आई नो दिस इज़ अ वियर्ड थिंग आई एम गोइंग टू शो यू, बट ये सेफ वॉश है, ये आप कपड़े वॉश करने के बाद उसके बाद यूज़ कर सकते हो। सो आई लव दिस, आपको सिर्फ एक ये कैप यूज़ करना है आपके बकेट में, और आपकी कपड़ों को बहुत अच्छी स्मेल देता है, और स्मेल वो आपके पहनने के बाद भी पूरा दिन रहता है। मैं जब भी कपड़े धोती हूँ, आई लाइक टू वॉश माई क्लोथ्स माई सेल्फ, मी एंड कल्पेश आर क्लोथ्स वी वॉश, वी डोंट पुट इट इन द मशीन, वी हैंड वॉश इट, बिकॉज आई डोंट लाइक माई क्लोथ्स टू गेट स्पॉइल्ड। ये हम यूज़ करते हैं, सो वी बोथ लाइक दिस वेरी मच। एंड लास्ट थिंग, नॉट द लास्ट थिंग सॉरी, एंड द नेक्स्ट थिंग विच आई लाइक इज दिस लोटस फेवरेट। ये मैंने ख़रीदा था जब मैंने माय हैप्पीनेस कोमल का रिव्यू देखा था, और तब से मैं यूज़ कर रही हूँ, और उसने शायद इसका रिव्यू 2 साल पहले डाला हुआ था। थैंक्स टू हर, शी हैज़ रियली एक्सप्लेन दिस प्रोडक्ट वेरी वेल। सो जो जो मैं चीज़ आपको शेयर करती हूँ, तो मैं बोलती हूँ डू ट्राई दिस और डू ट्राई दिस, क्योंकि वो वाकई बहुत अच्छे हैं, सो जस्ट गो एंड बाय दिस वन एज वेल। And the last thing which I have, which I'm using again from the review of Komal, Komal ने इसका review किया था वैसे माय फ्रॉम माय हैप्पीनेस, दैट इज अ प्लम काजल। आई रियली लाइक दिस कोल, इट्स वेरी डार्क, वेरी इंटेंस, स्मज प्रूफ, और मैं ये डेली यूज़ करती हूँ,
सो बिग थम्स अप फॉर यू। ये सारे प्रोडक्ट मेरे 2017 के फेवरेट है। आई होप कि आपका 2018 अच्छा जा रहा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना। अगर नहीं पसंद आ गया तो आई डोंट नो, प्लीज़ आई रियली होप आपको पसंद आया होगा। सो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियो को लाइक करना प्लीज़ मत भूलना। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई रियली होप यू हैव अ गुड डे। टेक केयर, बाय।